इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्यू एंड शिनोबू उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मिजुनोटो रैंक के डीमन सेलर्स की लाशें पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर शिनोबू कहती है कि इस जगह पर बहुत सारे डीमन सेलर भेजे गए थे, पर लगता है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। इस पर ग्यू उसे कुछ जवाब नहीं देता है। शिनोबू कहती है कि आज चांद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस बार भी ग्यू टोमियो का उसे कुछ नहीं कहता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। ग्यू शिनोबू से कहता है कि मेरा मकसद केवल डीमंस को मारना है और मैं बस उसी पर ध्यान दूंगा, जिस पर शिनोबू कहती है कि ठीक है, फिर हम लोगों को अलग अलग होकर डीमंस को ढूंढना चाहिए। इसके बाद ग्यू एंड शिनोबू दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि तांजिरो और इनोशुके फादर डीमन से लड़ रहे होते हैं। तांजिरो उसके हाथों पर अपनी सॉर्ड से अटैक करता है, पर वो उसके हाथों को नहीं काट पाता। उसके बाद इनोशुके भी अपनी दोनों तलवारों से अटैक करता है, पर वो भी उस डीमन के हाथों को काटने में फेल हो जाता है। वो डीमन पंच मारकर इनोशुके को दूर फेंक देता है, जिससे इनोशुके की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। डीमन इनोशुके की तरफ बढ़ता है, जिससे इनोशुके उससे दूर भागने लगता है। तभी तांजिरो उस डीमन के पास वाले एक पेड़ को काट देता है, जो डीमन के ऊपर जाकर गिरता है। डीमन उस पेड़ के नीचे दब जाता है। इनोशुके को कुछ भी समझ नहीं आता। वो देखता है कि तांजिरो ने पेड़ काट दिया है, जिससे डीमन उसके नीचे फंस गया है। तांजिरो उसके बाद वाटर ब्रीदिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज करने वाला होता है। तभी डीमन उस पेड़ को उठाकर बेसबॉल बैट की तरह तांजिरो को हिट करता है और तांजिरो हवा में दूर उड़ने लगता है। वो हवा में इनोशुके से कहता है कि ये डीमन 12 किजुकी में से एक डीमन है, तो मैं इसे यहीं रोक कर रखना होगा। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ नहीं मरोगे। और ऐसा बोलकर तांजिरो हवा में गायब हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जेनेसु अभी भी डीमन के घर के ऊपर लेटा हुआ है। उसकी पूरी बॉडी में जहर धीरे धीरे फैल रहा होता है। जेनेसु मरते मरते नेजुको को सॉरी कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जेनेसु को अपने ट्रेनर की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कभी भी हार न मानने के लिए कहती है। इसके बाद जेनेसु अपनी आंखें फिर से खोल लेता है। जेनेत्सु को आसमान में एक तितली आती हुई दिखाई देती है। असल में ये तितली कोई और नहीं शिनोबू होती है। वो जेनेत्सु से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद हम देखते हैं कि तांजिरो उड़ता हुआ जमीन पर गिरने वाला होता है। वो वाटर ब्रीदिंग का यूज करके खुद को गिरने से बचा लेता है। तांजिरो को एक लड़की की रोने की आवाज आती है। जब तांजिरो उस आवाज का पीछा करता है, तब वो देखता है कि एक लड़की डीमन वहां पर रो रही होती है और उसके चेहरे पर कट के निशान बने हुए होते हैं। उसके सामने उसका भाई रूई खड़ा होता है। ये वही डीमन होता है जिसने स्टार्टिंग में ही तांजिरो को पहाड़ छोड़कर जाने के लिए बोला था। रूई तांजिरो से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारा भाई बहन के बीच का मामला है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर तांजिरो कहता है कि तुम एक फैमिली नहीं हो, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है, पर तुम लोगों में से तो डर और नफरत की स्मेल आ रही है, जिसको सुनकर लड़की डीमन रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक मिजुनोटो डीमन सिलेर आ जाता है। यह डीमन सिलेर बाकी डीमन सिलेर के साथ ही आया हुआ था और किसी तरह से बच गया था। वो डीमन सिलेर स्वार्थी मन से चौड़ में आकर कहता है कि ये दोनों डीमन बहुत छोटे हैं, इन्हें मैं ही मारूंगा, इससे मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और मेरी रैंक भी बढ़ जाएगी। तांजिरो उस डीमन सिलेर को वहीं रुकने को कहता है, पर वो तांजिरो की नहीं सुनता। वो रूई की तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है, रूई उसके ऊपर अपना जाल फेंक देता है और रूई का जाल इतना पैना होता है कि उससे उस डीमन सिलेर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तांजिरो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि अब रूई और ज्यादा डरावना हो चुका है और तांजिरो के आसपास की हवाएं काफी ज्यादा भारी हो चुकी है। तांजिरो मन ही मन कहता है कि इनोशुके, तुम्हें थोड़ी देर उस बड़े डीमन का सामना करना होगा, मैं इसे खत्म करके जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इनोशुके फादर डीमन से बचकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। इनोशुके का बहुत सारा खून बह चुका होता है। वो सोचता है कि इस डीमन को कैसे खत्म किया जाए, जिसे उसकी तलवार भी नहीं काट पा रही। तभी वो डीमन उस पेड़ को उठाकर फेंक देता है, जिसके पीछे इनोशुके छुपा हुआ होता है। इनोशुके उस पेड़ से निकलकर भागना शुरू कर देता है। इनोशुके सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ब्रेव लड़का हूँ, मैं कैसे हार मानकर भाग सकता हूँ। उसके बाद इनोशुके उल्टा डीमन की तरफ अटैक करने के लिए भागना शुरू कर देता है। वो डीमन के हाथ पर अपनी एक सॉर्ड से अटैक करता है, पर उसकी सॉर्ड बीच हाथ में ही अटक जाती है। तब इनोशुके अपनी तलवार से पहली तलवार पर मारता है, जिससे पहली तलवार डीमन के हाथ के आर पार हो जाती है और डीमन का हाथ कट जाता है। डीमन इससे डरकर भागना शुरू कर देता है। इनोशुके कहता है, अगर तुम्हारी एक तलवार डीमन को नहीं काट पा रही तो दूसरी तलवार से पहली तलवार पर जोर जोर से मारो, और मेरे पास तो दो तलवार ऑलरेडी है।
इनोस्के ये बोलकर डीमन का पीछा शुरू कर देता है। हम आगे देखते हैं कि तांजिरो से रोई लड़ रहा होता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पर कट लगने लगते हैं जिनसे खून बहने लगता है। रोई की बहन पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देख रही होती है। रोई तांजिरो से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं पहले तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगा, लेकिन अगर तुम ये कह देते हो कि जो तुमने पहले मेरी फैमिली के बारे में बोला था वो सब झूठ है, मैं तुम्हें एक पल में ही बहुत ही सुकून भरी मौत दूंगा। तांजिरो इस पर कहता है कि मैं मर भी जाऊं ना तब भी मैं ये नहीं बोलूंगा। इस पर रोई और ज्यादा भड़क जाता है। उधर इनोस्के फादर डीमन का पीछा करके थक चुका होता है और उसे दर्द होने लगता है। वो वहीं पर रुक जाता है और कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का यूज करके डीमन को ढूंढ निकालता है। इनोस्के देखता है कि वो डीमन उसके पास वाले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और डर से बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। फिर वो देखता है कि डीमन की स्किन पिघलने लगती है। अब डीमन पहले से भी ज्यादा भयानक, लंबा और पावरफुल हो चुका होता है। इनोस्के उसे देखकर सोचता है कि अगर इस डीमन का एक भी अटैक उस पर लगेगा तो वो मार आ जाएगा। ऐसा सोचकर इनोस्के हार मान लेता है, पर तभी उसे तांजिरो की बात याद आती है जिसमें तांजिरो उसको बोलता है कि प्रॉमिस करो तुम नहीं मरोगे। इसके अलावा उसे विस्टेरिया क्रिस्ट मेंशन में जो बूढ़ी औरत थी उसकी बात याद आती है जो इनोस्के से कहती है गर्व से अपना सर ऊंचा रखो। अब इनोस्के अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा नाम इनोस्के हाशिबीरा है और मैं डीमन स्लेयर कॉर्प से आया हूँ, तुम में जितना दम है उतना दम लगा लो। वो डीमन एक बहुत तेज अटैक करता है जिससे इनोस्के पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। वो डीमन जैसे ही वापस इनोस्के पर अटैक करता है, इनोस्के अपनी दोनों तलवारों से उस डीमन की गर्दन पर अटैक करता है, पर इससे इनोस्के की दोनों तलवार टूट जाती है। उसके बाद वो डीमन इनोस्के को हवा में उठाकर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। इनोस्के अपनी टूटी हुई तलवार उस डीमन के गर्दन में घुसा देता है, पर उससे भी डीमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनोस्के अब मरने की कगार पर होता है और उसे एक लेडी का फेस याद आता है। जब वो बच्चा होता है तो एक लेडी उससे कहती है मुझे माफ कर देना, इससे तुम शायद जिंदा बच सकते हो। इनोस्के सोचता है कि ये लेडी कौन है, और अब वो डीमन और तेजी से इनोस्के का गला दबा रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्यूटोमियो का आकर उस डीमन का हाथ काट देता है जिससे इनोस्के बच जाता है। उसके बाद ग्यू वाटर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करके उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इनोस्के सोचता है कि ये कौन इतना पावरफुल डीमन स्लेयर है। उधर दूसरी तरफ तांजिरो रुई से फाइट कर रहा होता है। तांजिरो रुई पर अटैक करता है, पर रुई अपना जाल तांजिरो पर फेंक कर मारता है। तांजिरो उसे अपनी तलवार से रोकने का ट्राई करता है, लेकिन तांजिरो की सॉर्ड रुई के जाल से टूट जाती है और वो जाल तांजिरो की तरफ आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।